अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद नासिर आलम, ग्राम पंचायत निसंदरा, समस्त पंचायत वासियों को छठ पर्व की शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसी भाईचारा बनी रहे, धन्यवाद। रोमी साहब, जैसे जिस तरह से पार्टी आपकी कोचाधाम विधानसभा सीट पर काफी अपार मतों से वोट जीत दर्ज की है, क्या लगता है जनता का ये फैसला सही था, क्या कुछ रहा? सबसे पहले तो मैं कोचाधामन की जनता का और खास तौर से कमलपुर, कुट्टी, बगलबारी और नजरपुर पंचायत के लिए जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट एक सोच को और एक समझ को उन्होंने दिया और जो उनका डिसीजन बहुत सही है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में हमारी सारी जो कामनाएं हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वैसे ही जब से किशन सीमांचल क्षेत्र में कदम रखा है तब से जो है बीजेपी को काफ़ी मजबूती मिली है। देखिए, ये बात आप पहले भी मुझे पूछ चुके थे और कई चैनल वालों ने भी पूछा है। ये सब एक भ्रम है, ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है कि भाई मुसलमानों को या एक कौम को साथ नहीं आने दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए। इसमें एक उन्होंने बार बार कहा कि बीजेपी का बी टीम है, तो अगर बीजेपी की बी टीम होती तो यहाँ पर बीजेपी जीतती या कोई और दूसरी पार्टी जीतती। और जगह देख लीजिए RJD को कितना वोट आया और कितना उनको सीट मिला पूरे बिहार के अंदर में। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है तो उन्हें जेल नहीं होती है, कोई अदर आदमी देता है तो जेल हो जाती है। इससे तो यही साफ होता है ना कि कोई सांठगांठ है अंदरूनी? नहीं, मैं तो नहीं देखता कि कहीं भी ओवैसी साहब, हमारे बैरिस्टर साहब कभी भी कोई भड़काऊ भाषण देते हैं। वो तो हक की बात करते हैं हमेशा। आप उसको अगर गिरिराज सिंह से या किसी से आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो हम तो समझते हैं कि वो सच बात करते हैं, कभी भी कोई भड़काऊ भाषण नहीं करते, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं करते, वो तो इंसाफ के लिए बात करते हैं। तो ये सब बातें जो कहते हैं लोग कि उनको नहीं जेल करता, ये नहीं करता, ये सब बिल्कुल अजीब सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती किस तरह से वो बोलते हैं ये बात। क्या लगता है धरातल पर सारे जो कारनामे जो उन्होंने वादे किए हैं वो लाएंगे? किशनगंज में वो बोलो, उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा, सोशल मीडिया में स्टार्ट भी हो चुका है। कमलपुर जो है आपका अल्ता हाट में रेलवे प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, कोचाधाम में देना चाह रहे हैं, बिशनपुर में देना चाहते हैं, ये मुमकिन है? उन्होंने ये बात नहीं कही कि कोचाधामन में और किशनगंज में, और किशनगंज में तो खैर है ही, अल्ता में कोई प्लेटफॉर्म बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये ख्वाब है, अगर आप देख सकते हैं तो आपका वो हकीकत भी बन सकता है, अगर आप ख्वाब देखेंगे नहीं तो कभी ज़िंदगी में वो हकीकत में नहीं आएगा। हमें सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है, अगर हमारी नेतृत्वता इतनी अच्छी नहीं है इस वजह से नहीं हो रहा। हम चाहेंगे और इंशाल्लाह अगर मौका लगेगा तो हम लोग अपना यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों, हमें एयरपोर्ट बनाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और यानी अमित शाह वाला कहानी सेम है कि हम जुमलेबाजी में रहेंगे? नहीं, ये जुमलेबाजी नहीं है, ये ख्वाब है, एक विजन है, इस विजन को समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, हम कहते हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं है यहाँ पे। साहब, आप तो यही चीज तो उनका यही रोल अपना रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मुमकिन है, आखिर कैसे मुमकिन है? यहाँ तो सरकार को फायदा भी होना चाहिए ना, रेलवे प्लेटफॉर्म दे देने से क्या फायदा हो जाएगा सरकार को, गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट हर चीज फायदे के लिए नहीं करती है, लोगों की सुविधाओं के लिए करती है। आपको और हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि सरकार वेलफेयर स्टेट है, इसमें लोगों का भला होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म होता है तो हमारे लिए सुविधाएं कितनी बढ़ेंगी, ये होना चाहिए। और ये मेरे पिताजी का आज का नहीं, 20 साल पुराना उनका एक सोच था, 20 साल भी नहीं बल्कि ज्यादा होगा। उन्होंने कहा था मुझे कि रोमिन, मैंने आज ख्वाब देखा है बेटा कि हमारे घर के पीछे से रेलवे की लाइन गई है। तो ये ख्वाब है जो हम लोग चाहते हैं कि अवैसी साहब इसको पूरा करें, चाहे जिस तरह से भी करें, लेकिन हम भी जानते हैं और इतना ये आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी सत्ता में बीजेपी है, यहाँ पे भी आपको नीतीश जी की सरकार बन गई है, इतनी आसानी से बनने नहीं देंगे वो लोग, लेकिन उसके लिए हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये मुमकिन होगा और मुमकिन हो सकता है तो हम लोग उसको बनाएंगे और करेंगे। यहाँ मुमकिन ये भी तो कह चुके हैं कि हॉस्पिटल वैसी हॉस्पिटल होगा, ये मुमकिन है? मुमकिन, घर की जमीन, घर की जमीन बेच के देंगे क्या? नहीं, किसकी जमीन यहाँ पे, अगर अवैसी साहब के पास इतनी वसत है, अल्लाह ने उनको दिया है और उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो वो यहाँ पे हॉस्पिटल देंगे, और उन्होंने वादा भी किया। 2014 में उन्होंने कहा था कि अगर अक्षर लीमान जीतेगा तो ऊपर भी हॉस्पिटल देंगे, नहीं जीतेगा तो भी देंगे, उसके बाद वो वादा क्या हुआ?
ये 2014 की बात का मुझे आपको एक्चुअली में बताऊं, मुझे अंदाजा नहीं कि उन्होंने अपने भाषणों में क्या क्या कहा है, लेकिन जो मैं इस दफा देखा और मुझे उम्मीद है और यकीन भी है, क्योंकि हमारे 5-5 विधायक हैं और इन्होंने कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल की और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अच्छा, क्या लगता है ये जो सारी चीजें उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित की बात करेंगे, क्या ऐसा लगता है किसानों की कौन सी हित की बात कर रहे हैं? आपको एक मैं छोटी सी बात कहता हूँ, पता नहीं आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं या नहीं, लेकिन मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास KCC हुआ करता है, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ करता है, जिस कार्ड में हम लोग इंश्योरेंस के लिए पैसे देते हैं हर साल, और हर 6 महीने पे इंश्योरेंस कंपनियां हमसे पैसा लेती हैं। 2017 में जब यहाँ बाढ़ आया था तो लोगों के घरों में 6,000 रुपये सरकार ने पहुँचाया, लेकिन हमें वो पैसा नहीं चाहिए। हमने जो इंश्योरेंस करा था वो इंश्योरेंस का पैसा कहाँ गया? ये नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस के पैसे तो हमसे काटे लेकिन हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। अगर वो घोटाला है तो फिर सरकार में कैसे आ गया? अब ये तो एक उनकी किस्मत कह लीजिए या उनका रणनीति कह लीजिए, लेकिन इस बात को हम कहेंगे, वैसे साहब से हम बात भी करेंगे और हमारे विधायक जी को भी हम कहते हैं कि आप जरा इस मुद्दे पे देखिए, 2017 के अंदर में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी और ये कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कंप्लीट डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें हम जैसे किसानों को जो हमने किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमने इंश्योरेंस के पैसे प्रीमियम जमा किए थे और उसका पैसा हमें नहीं मिला। आज भी हमारे ऊपर कोई लोन माफ नहीं हुआ और आज भी वो लोन हमारे ऊपर चल रहा है। इसको जरा देखने की जरूरत है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जो बिहार के अंदर में किया गया है, इसको देखने की जरूरत है। क्या लगता है NRC और NPR से बचा लेंगे ओवैसी? देखिए, आपको ये मालूम होगा और ये बहुत अच्छी तरह से आप सब जानते हैं कि NPR ये एक ऐसा काला कानून हम लोगों पर, NPR को वापस करा देंगे, ये पॉसिबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट हमारी फिर बन जाए और पूरे उस तरह की बने, लेकिन हम अगर इसको यहाँ पे आयद करता है, नाफिज करता है, तो उसके लिए हम लोग पुरजोर मुखालिफत करेंगे और हम इसी के लिए अपने लोगों को वहाँ पे MIM के लोग वहाँ पहुँचे हैं, हम अल्लाह के शुक्र से 5 लोग हमारे पहुँचे हैं, हर तरह की चीज़ें हम वहाँ करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से बिहार के अंदर में ये लागू ना हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि NRC जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं लागू होगी, क्या ये गारंटी है? आखिर जनता ने कोई भरोसा तो देखा होगा ना आप लोगों पर कि नहीं अवैसी की पार्टी जीत के वहाँ से जाएगी तो शायद NRC जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब बातों को बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि वो खिलाफ में बोलते हैं जो हमारे लिए कोई नहीं बोलता है ना, तो अगर वो अपनी आवाज रखेंगे तो वो आवाज सुनी जाए। यानी अवैसी साहब का सिर्फ अल्फाज है ये कि सिर्फ लोगों को अपने तरफ लुभाने का? अल्फाज नहीं है, आप एक बात बताइए, अगर आप पे जुल्म होता है और आप आवाज भी ना उठा पाए तो आपकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। आवाज उठाना ही सबसे पहली जीत है, आप अगर आवाज उठाएंगे तो जीत आपको मिलेगी, आप अगर सोच रखेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा, लेकिन आप जब आवाज ही नहीं उठाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे तो आपको सुनेगा कौन? रोबिन साहब, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ये अल्फाजों में ही रखा जा रहा है, ये ओवैसी साहब सिर्फ जो है अपनी नीतियां बना रहे हैं, आने वाले जो अभी बंगाल चुनाव चल रहा है, एक तस्वीर भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, चड्डी बना के रखे हैं, लेके जा रहा है बंगाल चुनाव लड़ाने, क्या लगता है इससे उसकी सपोर्ट में है ना? सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमको ये समझने की जरूरत है कि ये MIM पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और इसकी सोच क्या है, इसकी सोच तो यही दर्शा रही है ना कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, हिंदुओं को छोड़ा जा रहा है। छोड़ा नहीं जा रहा, इसमें दलित को, मुस्लिम को और जितने भी पिछड़े हैं और जो दबे कुचले हैं उनको साथ लेकर एक यूनिटी के साथ किसी भी चीज के खिलाफ, जो भी गलत चीज हो रहा है उसके खिलाफ बोला जाए। आज मुसलमानों को हमेशा यूज किया गया, हर तरह से उनको जो है ये प्रताड़ित किया गया, चूंकि उनके पास लोग तो थे, जनसंख्या तो है, लेकिन एक साथ बोलने वाली आवाज नहीं है। जिस दिन आप यूनिटी इज द फोर्स, इज द पावर, अगर आपके पास पावर नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले कितना भी बोल लीजिए आपको कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।